आज यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन यूपी अपने अस्तित्व में आया था। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद हैं। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर खेल की उपलब्धियों के लिए लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यूपी की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिन खिलाड़ियों को आज यहां पर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 3 वर्षों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। 2021 में सुश्री ज्योति शुक्ला, सुश्री नेहा कश्यप को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और श्री मोहित यादव, श्री राहुल सिंह, श्री जनार्दन सिंह यादव को लक्ष्मण पुरस्कार से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। 21-22 में सुश्री मनीषा भाटी और श्रीमती तरुणा शर्मा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद आरिफ और श्री राधे श्याम सिंह को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे खिलाड़ियों को भी आज यहां सम्मानित किया गया है। सी बैडमिंटन में स्वास एलवाई जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्हें सी विवेक चिकारा, तीरंदाजी में सी दीपेंद्र सिंह को शूटिंग में यह आज सम्मान यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सबको बधाई देता हूं। यहां पर अलग अलग पुरस्कार माटी कला बोर्ड का हो, हस्तशिल्प का हो, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जिन हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को आज सम्मान यहां पर उपलब्ध कराया गया है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत 2017 में प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद से हुई। इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा में यूपी की पहचान बदली है। सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। हमने पिछली सरकारों से कई बार कहा, उनकी समझ में नहीं आ पाता है क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा। हमने कहा जब समय आएगा जरूर करेंगे और पहले ही वर्ष में, क्योंकि मार्च 2017 में सरकार का गठन हो चुका था, तब तक जनवरी माह निकल चुका था और जब जनवरी 2018 आई, हम लोगों ने इसी स्थल पर यही भव्य पंडाल सजा करके और उस समय के महामहिम राज्यपाल को आमंत्रित किया था और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आप अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ाया था। वह योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो परंपरागत उद्यम को अभी हम आ रहे थे, उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्पी कारीगरी और यहां की प्रतिभा को हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका
अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगना कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2018 से हर साल इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाने के पीछे एक वजह है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 से इस राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से पहचान मिली, इसलिए 2018 से हर साल 24 जनवरी की तारीख को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश आज अपनी स्थापना का यह 74वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं।